हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे। अभी अभी मेरा सारा काम खत्म हुआ है और दोपहर के बज चुके हैं एक, और अब मैं जा रही हूँ नोने के लिए, कुछ बनाने के लिए, क्योंकि आज सुबह मैंने बनाई थी सूखी सब्जी आलू गोभी की, तो सुबह ना ये खाएगी नहीं सूखी सब्जी, तो इसके लिए मुझे ना स्पेशली कुछ बनाना पड़ता है अलग से। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में उसके लिए कुछ बनाने के लिए। खेल रही है, मैंने इसके जमे बना दिए, ठंडे होने के लिए रखे हुए हैं, जब तक ठंडे भी हो जाएंगे तो अभी इसको खिला के ना सुला दूंगी। और आपने ये क्या किया है यहाँ पे बेटा? ओहो, मैं ये क्या कर रहा, ये क्या है, ये सारे अनारदाने यहाँ पे गिरा दिए आपने हैं? के जमे भी बन गए हैं, अभी मैं इसको भी खिला देती हूँ, फिर इसको नींद आ रही है। चलो चलो बेटा अंदर, यहाँ पे आओ आओ, ऊपर चढ़ के बैठो, चलो बेड पे आओ ना, चलो खाना नहीं खाना आपको, आओ जल्दी जल्दी आओ, भूख लगी हुई है अब इसको, बैठ जाओ। नोनी के फेवरेट, अभी ठंडे तो हो जाने दो बेटा, ठंडे होने दो ना, तभी तो खिलाऊंगी आपको, ठंडे होने का भी वेट नहीं है लड़की को। अरे ठंडे तो हो जाने दो, लगा ना देखो गरम है ना, है ना गरम, देखो एक मिनट का सबर नहीं हो रहा है, खाने लग रही है, अभी ठंडे भी नहीं होने दे रही इनको। ठंडे तो जाने दो, खाओ बेटा, मम्मा को भी खाना खाना है अब, पानी खा, बैठे बैठ के खाओ, लो हाँ लो, लो इसको यही रख लो, चलो इधर ही रख लो, भाई बड़ी परेशान करती है लड़की, लो खा लूं मैं, साथ क्यों देना बेटा, लो फटाफट खा लो, हाथ नहीं देना मुंह में, बिना फोन के देखती है ना, खाती है तो ऐसे ड्रामे करती है, फिर उठाओ। नोनी भी सो गई है और अब मैं जा रही हूँ अपने लिए सैलेड बनाने के लिए, क्योंकि मैं दोपहर में खाना नहीं खाती हूँ, तो सैलेड मैं अभी बनाऊंगी जाकर अपने लिए। नोनी भी सो गई है, अभी बस मैं नोनी को सुला के ही आई हूँ और अब मैं जा रही हूँ अपने लिए सैलेड बनाने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ी डाइटिंग कर रही हूँ ना, तो मैं खाना नहीं खाती हूँ दोपहर में, बस सुबह शाम को भी एक रोटी खाती हूँ, क्योंकि मेरा वेट ना बहुत ज़्यादा गेन हो गया था प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो मैं वही अपना डाइटिंग कर रही हूँ 3-4 महीने से, और मेरे को मतलब 3 मंथ में मेरा 10 किलो वेट तो मेरा कम हो गया है। अभी मेरा जो वेट है, मैंने कल ही वेट अपना किया था, अभी जो मेरा वेट है वो 58 है, लेकिन मेरे को अभी 4 किलो वेट और अभी अपना कम करना है।
अगर आप लोग भी चाहो ना तो जैसी ही डाइटिंग मतलब जैसा खाना दोपहर में मैं खाती हूँ, मैंने ना बहुत सारी सैलेड आप लोगों के साथ शेयर की हुई है डाइट से रिलेटेड ही। वो आप लोग आपके लिए ना बहुत हेल्दी भी होती है, बहुत अच्छी भी होती है, उससे ना पेट भरा भरा रहता है, भूख भी नहीं लगती है। तो मेरे को तो 3 मंथ हो गए हैं यही सब चीज़ें खाते हुए, और मैं सबसे ज़्यादा ना चने ही खाती हूँ, मखाने चने और उबले हुए चने, इन सब चीज़ों की मैं ज़्यादा चाट बनाकर खाती हूँ, क्योंकि रोटी से ना फैट बढ़ता है। तो मैंने ना अपने आप में ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि अगर एक टाइम आप खाना नहीं खाओगे तो कमजोरी तो आ ही जाएगी, लेकिन इसकी जगह पे आप कुछ और चीज़ें खा सकते हो, इससे ना आपका वेट गेन भी नहीं होगा और आपको भूख भी नहीं लगेगी। अगर मैं चाहती तो पहले से भी अपना वेट कम कर सकती थी, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं अपना वेट कम कर लूँगी, और मैंने कर लिया है अपना कि कम कर लिया है। मतलब इतना वेट मेरा अभी जो था 78 था मेरा प्रेगनेंसी के बाद वेट, और मेरा अभी जो आ गया है वो 58 पे आ गया है। लेकिन मुझे अभी 4 किलो वेट और मुझे एक्स्ट्रा लगता है अपना थोड़ा सा, क्योंकि मुझे पहले वाले कपड़े अभी फिटिंग नहीं आते हैं ठीक से, आते तो हैं लेकिन इतने अच्छे से नहीं, प्रॉपरली नहीं फिट हो पाते हैं। तो बस मेरे को अभी 4 किलो वेट और कम करना है, क्योंकि मेरा जो वेट था पहले वो मेरा 53-54 ही था, और मेरे को अपना वेट जो है वो वहीं बराबर करना है। तो चलिए चलते हैं किचन में और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ एक ऐसी डिश जिससे आप अपना वेट लूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। पैन में 1 चम्मच घी गरम कर लेंगे, उसमें डालेंगे नमक, धनिया, गरम मसाला और लाल मिर्च, और उसमें डालेंगे फिर मखाने। मखाने को ना अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद उसको हम एक बाउल में रख लेंगे, और फिर उसमें हम डालेंगे कटा हुआ खीरा, कटे हुए टमाटर, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ धनिया और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, और इन सब चीज़ों को नींबू, फिर इसमें ना थोड़ा सा नींबू निचोड़ लेंगे। नींबू निचोड़ने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहो तो इसमें फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो, तो मैंने इसमें अनार ऐड किए हैं, और आप देख सकते हो कि मेरी सैलेड रेडी हो चुकी है। तो आप लोग भी ऐसे ट्राई कर सकते हो।